देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में देखा था, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर कैसे क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। अब अपन उनके टाइप्स देख रहे हैं। टाइप्स में पहला वीडियो मैंने बनाया है लोड गैप लाइटनिंग अरेस्टर पे, तो लोड गैप लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में देखेंगे और पॉइंट्स देखेंगे जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम में वगैरह में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो ये रोड टाइप होता है, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ना, हरे कलर में, ठीक है ना, ये रोड गैप लाइटनिंग अरेस्टर है। अब देखो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लाइटनिंग अरेस्टर को कहाँ कनेक्ट करते हैं। एक तो लाइन, एक कनेक्शन तो होता है लाइन से, जो देखो एक रोड को लाइन से कनेक्ट किया है, और दूसरा कनेक्शन होता है अपने फेस से। तो दूसरा कनेक्शन फेस पे या ग्राउंड पे कनेक्ट किया है, ठीक है ना। अब देखो ये लाइटनिंग अरेस्टर जो है ना, रोड गैप लाइटनिंग अरेस्टर, ये बैंड हुआ हुआ है, तो ये 90 डिग्री पे बैंड होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है, ये 50 मिलीमीटर की रोड्स हैं दोनों की दोनों, ठीक है ना। और देखो लाइटनिंग अरेस्टर और ट्रांसफार्मर की जो बुशिंग है, ठीक है ना, उससे देखो एक गैप है ना, ये गैप की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1/3, कम से कम 1/3 होनी चाहिए इस गैप से। मतलब ये गैप जितना लोगे ना, ये वाला जो गैप आप जितना रखोगे ना, उसका 1/3 ये जो डिस्टेंस है ना, ये रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग आपने देख रखी होगी, जो ट्रांसफार्मर की किस पे टैंक पे लगी होती है, ठीक है ना, उसी पे अपना लाइटनिंग अरेस्टर लगता है, ठीक है, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर वाला। तो ये है, और आपको जैसे पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि ये ऑपरेट कैसे करता है। ये जैसे ही यहाँ पर लाइन में ओवर वोल्टेज आया, ठीक है ना, यहाँ से वोल्टेज आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की जो एयर होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, आयोनाइज कर जाएगी। आयोनाइज कर जाएगी तो यहाँ पर एक स्पार्क बनेगा, और जो करंट होगा, जो हैवी करंट, जो सर्ज करंट जिसको अपन बोलते हैं, या सर्ज वोल्टेज बोलते हैं, सर्ज बोलते हैं सिंपल सा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से आर्क बन जाएगी, तो कंडक्टिंग पाथ मिल जाएगा, तो वो इसके थ्रू अपना सीधा वो ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। मैं इसकी बातें जो मैं लिख रखी है सारी, वो एक एक करके आपको रीड भी करवा देता हूँ, ठीक है ना, तो आपका ये टॉपिक सही हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला तो है वेरी सिंपल टाइप ऑफ लाइटिंग अरेस्टर, सबसे सिंपल यही है, कंसिस्ट ऑफ 250 मिलीमीटर रोड्स दैट आर बेंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद अ गैप इन बिटवीन दैम। जैसे कि आपने देखा था, दो रोड्स हैं, ये दो रोड्स कितनी है, 15 मिलीमीटर की है, दोनों 90 डिग्री एंगल पे बेंड है, और दोनों के बीच में एक गैप है, और इस गैप को अपन ने फिल कर रखा है किससे, एयर से। देखो अब दूसरा जो मैंने आपको बताई दिया, वन एंड किससे कनेक्ट था, लाइन से, और दूसरा एंड किससे कनेक्ट था, अर्थ से, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो ये गैप लेंथ है ना, ये जितनी होगी ना, उसका 1/3 डिस्टेंस रखना जरूरी है कि इसमें, इस इंसुलेटर में जो ट्रांसफार्मर की बुशिंग है, और इस रोड के अंदर, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने ये लिख रखी है, द डिस्टेंस बिटवीन रोड एंड इंसुलेटर मस्ट नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द गैप लेंथ, सो दैट आर्क में नॉट रीच द इंसुलेटर एंड एंड डैमेज इट। अगर देखो ये जो लेंथ हो गई है ना, मैं आपको बता दूँ, अगर ये जो लेंथ हो गई है 1/3 से अगर लेस है, इसके 1/3 से अगर लेस है, तो वो आर्क इधर क्यों बनेगी, है ना, वो आर्क तो इधर भी इनिशिएट कर सकती है, ठीक है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए इस गैप का 1/3 कम से कम रखना यहाँ पे ज़रूरी है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी लिमिटेशन भी देख लो, लिमिटेशन देख लो और उनके करेक्शन भी देख लो। ये बोलता है कि अगर एक बार स्पार्क हुई, ठीक है ना, तो एकदम से डाई आउट नहीं कर जाएगी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होते ही, उसको टाइम लगता है, ठीक है ना, डाई आउट करने के लिए। और अपन चाहते नहीं कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो अपना नॉर्मल जो करंट है वो ग्राउंड में जाए, तो ठीक है ना, तो उसको लिमिट करने के लिए करंट लिमिटिंग रिएक्टर लगाते हैं, जो लिमिट करता है करंट को कितना, कि सिर्फ स्पार्क ओवर रहे, ठीक है ना। वंस, यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, वंस द स्पार्क हैविंग टेकन प्लेस इट मे कंटिन्यू फॉर सम टाइम इवन एट लो वोल्टेज। तो उसको ओवरकम करेंगे किससे, करंट लिमिटिंग रिएक्टर लगा के, और लगाएंगे कैसे, सीरीज में लगाएंगे रोड गैप के साथ, ठीक है ना, सॉरी मतलब इसी रोड गैप के साथ ही मान लो। अब देख लो दूसरा जो बहुत ही कॉमन है, देखो इतना हाई वोल्टेज होगा, अगर ये रोड गैप होगी तो ये पिघलेगी, सीधी सीधी बात है, मेल्ट करेगी, तो वही इसकी एक और लिमिटेशन है, रोड गैप इज लाइबल टू बी डैमेज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द आर्क विच मे कॉज द रोड टू मेल्ट, है ना। जैसा यहाँ पे देखो आप, हाई वोल्टेज होगा तो हाई करंट होगा, तो हाई हीट भी डेवलप होगी, मतलब टेम्परेचर डेवलप होगा, तो ये रोड मेल्ट करने के चांस बनते हैं, तो एक ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो थैंक यू, आप अगले वीडियो में अगला लाइटिंग एस्ट्रा देखेंगे।